वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक नई सीरीज जो कि है बीएससी मैथमेटिक्स। सबसे पहली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी डायनेमिक्स से। अब डायनेमिक्स से शुरुआत करने के हमारे पास दो कारण हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि जो डायनेमिक्स है, मैथ्स के अंदर जो डायनेमिक्स है वो फिजिक्स के साथ अगर कंपेयर करें तो कुछ सिमिलर सी है। और दूसरा जो हमारा कारण है वो ये है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं और हार्ड बोले जाते हैं, लेकिन उन्हीं को हम आसान करेंगे हमारी वीडियोस के अंदर, और इसीलिए हमने सबसे पहले डायनेमिक्स को चुना है। तो आप सबसे एक अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एंड देयर टेंजेंशियल एंड देयर नॉर्मल कंपोनेंट्स। इसके लिए हमारे पास एक पूरी डेरिवेशन है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल जो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बेसिक्स की बात करें तो वेलोसिटी, v velocity and a acceleration. Velocity rate of change of displacement with time and acceleration is rate of change of velocity with respect to time. तो ये हमारा basic concept है। अब इसके साथ हम बात करेंगे tangential and their normal components. अब अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो टेंजेंशियल और नॉर्मल जो कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ पर इतने मायने नहीं रखते, लेकिन अगर हम बात करते हैं कर्व मोशन पे या प्लेन कर्व हो या फिर कोई सर्कुलर कर्व हो तो वहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व के अंदर अगर मैं बात करूँ पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ, क्योंकि अगर हमारा जो पार्टिकल है वो ए से बी गया होगा तो अगर वो इस डायरेक्शन में है तो उसके पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी, तभी तो वो इधर गया है, इसी का तो यहाँ पर रिजल्टेंट लिया गया है इस तरफ। तो ये दोनों कंपोनेंट इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह एक्सेलेरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, तो वो ही हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ए और प्लेन कर्व है हमारे पास ए बी। ए भी हमारे पास एक प्लेन कर्व है और इस कर्व के ऊपर हमने मान लिया है कोई पॉइंट पी, पी पोजीशन पर और क्यू पोजीशन पर पार्टिकल है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर। टाइम टी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर वो क्यू पर पहुंच गया है पी से, पी से वो डेल्टा टी टाइम में क्यू पर पहुंच गया है। ये हमारा शुरुआती एजम्पशंस हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स छोटे छोटे जो हैं, जैसे कि हमारे पास ए पी है, ए पी को हम एस कंसिडर करते हैं, आर्क ए पी को हम एस कंसिडर करते हैं, आर्क ए क्यू को, ए से यहाँ तक क्यू को हम एस, और इसको हम डेल्टा यानी कि एस प्लस डेल्टा एस कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं साई। तो हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है, पी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा आर वेक्टर, और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा आर प्लस डेल्टा आर। पी क्यू जो है आर्क है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस, एंड अगर हम इसकी बात करें डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस की तो वो होगा डेल्टा आर और ये होगा डेल्टा एस। तो ओ पी जो है ओ से पी तक आर है, एंड ओ क्यू जो है आर प्लस डेल्टा आर है, और पी क्यू जो है वो अपना डेल्टा आर है। अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो के अंदर अपनी डेरिवेशन की। सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी इज पी क्यू यानी कि डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट विदाउट सर्कल यानी कि सीधा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी, और
आर्क है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस यहाँ पर आर्क है, टी टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ तो वो होगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लिमिट्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट्स का मतलब ये होगा कि जो डेल्टा टी है यानी कि हमने जो टाइम लिया है यहाँ पर, जो टाइम हमने लेट किया है वो बहुत ही स्मॉल होगा। इसलिए स्मॉल टाइम्स के लिए हमने यहाँ पर लिमिट्स यूज़ की है, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय के लिए हमने ये लेट किया है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि बहुत छोटे से समय के लिए, इसलिए यहाँ पर लिमिट्स यूज़ की गई हैं। अब एक छोटी सी सिचुएशन और है, अगर ये डेल्टा टी टाइम जो हमने लिया है वो अगर टेंस टू ज़ीरो हो तो पार्टिकल क्यू पर ना होकर पी पर ही होगा, कोइंसाइड करेगा। जैसे जैसे डेल्टा टी जो है हमारा वो कम होगा, छोटा होता जाएगा, ये क्यू से पार्टिकल पी की तरफ इस तरफ आता जाएगा, यानी कि वो पार्टिकल जो होगा वो पी पर ही होगा। हम ये समझ सकते हैं कि जितना छोटा डेल्टा टी उतना ही पार्टिकल पी के पास यानी कि कोइंसाइड करेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी है वो पी पर ही होगा। यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है ये सिर्फ पी पर ही होगा उस समय। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी अलोंग टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन में, टी कैप की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको मैग्नीट्यूड के अंदर, बार के अंदर लिख लेते हैं, यानी कि मोड के अंदर लिख लेते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो सेम होगा इस डेल्टा आर का मोड एंड डेल्टा टी। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूँगा, डेल्टा एस से मैं ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये होगा डेल्टा एस ऊपर ऊपर और नीचे। तो ये जो यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बन गए हैं, इनको हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे लिमिट्स के अकॉर्डिंग। एस के लिए अगर मैं लिमिट समझूँ तो कुछ इस तरह, देखो जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है और यहाँ पर वो क्यू पॉइंट है, तो अगर इसके बीच का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो वो होगा डेल्टा आर, और डिस्प्लेसमेंट की बजाय मैं डिस्टेंस निकालूँ तो वो होगा डेल्टा एस। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा एस क्या होगा, कोण पी क्यू एंड आर्क पी क्यू ये होगा, और लिमिट होगी क्यू से पी की तरफ, यानी कि क्यू टेंड्स टू पी। मैंने बताया ना, टी टाइम्स अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो पार्टिकल क्यू पर ना होकर पी की तरफ ही होगा, जितना डेल्टा टी छोटा होगा उतना ही वो इसके पास होगा। तो इसलिए अगर मैं बात करूं क्यू टेंस टू पी, अगर क्यू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पी, तो इसका मतलब क्या है, जो पी क्यू है इक्वल होगा पी एस के, यानी कि पी क्यू जो है, आर्क पी क्यू जो है वो कोण पी क्यू के बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में ये इतना जो है वो हो जाएगा वन, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी फॉर स्मॉल चेंज ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लिख सकते हैं टी एस बाई डी टी। लिमिट्स फॉर स्मॉल टाइम के लिए मैं कन्वर्ट करूंगा उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर स्मॉल पीरियड, तो ये होगा डी एस बाई डी टी। अब इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को अगर हम यूज़ करते हैं, इक्वेशन एक है वेलोसिटी जो है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो टी आर बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो एक और दो से यूज़ करते हुए हम लिमिट्स डी आर बाई डी टी हमने यहाँ निकाला है टी टेंस टू ज़ीरो। अभी अभी इसका जो आंसर आया था वो आया था डी एस बाई डी टी, और डायरेक्शन है हमारे पास टेंजेंट टी कैप, तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी डी एस बाई डी टी टी कैप। अगर मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरह, एस का डेरिवेटिव यानी कि एस डॉट टी कैप प्लस, अगर यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो ज़ीरो एन कैप। टेंजेंशियल कंपोनेंट तो है लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पर मैंने लिख लिया ज़ीरो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस आर एस डॉट एंड ज़ीरो। एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर है आर्क यानी कि डिस्टेंस। देखिए अगर हमें टेंजेंशियल जो वेलोसिटी निकालनी है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के बराबर होगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट की, टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें। और यहाँ पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इस केस में क्या होगा, ज़ीरो होगा।
नोट अगर हम बात करें कि जो टी कैप है वो क्या होगा, टी कैप जो है वो होगा आर डॉट। आर डॉट क्या है यहाँ पर, आर डॉट है जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव, और उसके नीचे क्या है आर डॉट का मैग्नीट्यूड। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, वेलोसिटी है हमारे पास डी आर बाई डी टी, और उसको हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी टी कैप। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ टी कैप, टी कैप क्या होगा इसके डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव, यानी कि डी आर बाई डी टी बाई डी एस बाई डी टी। यहाँ पर मैंने लिख के भी दिखाया है डी आर बाई डी टी एंड इंटू डी टी बाई डी एस। अगर डी टी डी टी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो डी आर बाई डी एस क्या होगा हमारे पास टी कैप होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर होगा एट पी। नाउ यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर्स एट पी इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे, ये आई और ये जे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिंपल है, अगर मैं टी को रिजोल्व करता हूँ आई और जे के अंदर विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल जो हमने यहाँ पर इस टेंजेंट के साथ, यहाँ ये जो एंगल बना था साई, इसके अकॉर्डिंग कोस साई आई कैप एंड इसके लिए साइन साई जे कैप, ये होगा हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर मैं इसको मतलब टेंजेंट ये है तो ये, और नॉर्मल की बात करूं तो वो होगा कोस। अब ये इस पे नॉर्मल होगा हमेशा 90 डिग्री होगा इस पे, तो साई प्लस 90 पाई बाय टू प्लस साई आई प्लस साइन पाई बाय टू प्लस साई जे कैप। इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ माइनस साइन साई आई कैप प्लस कोस साई जे कैप। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ टी कैप का, टी कैप का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी बाई डी टी ऑफ टी कैप, वो होगा साइन साई का डेरिवेटिव माइनस साइन साई, और साई का होगा डी साई बाई डी टी आई कैप। कोस साइन साई का होगा कोस साई एंड साई का डी साई बाई डी टी जे कैप। अगर मैं यहाँ पर माइनस को अलग निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अलग तो क्या निकालना है, सेम ही रखना, माइनस साइन साई आई कैप प्लस कोस साई जे कैप, और इस डी साई बाई डी टी को मैं अलग निकाल लेता हूँ, तो ये जो इतना है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सेम जो कि हमने अभी अभी एन कैप मान लिया था, नॉर्मल कंपोनेंट जो मान लिया था। तो डी बाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल टू होगा एन कैप डी साई बाई डी टी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन तीन और चार को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं एसेलेशन। इक्वेशन थ्री है वी इज इक्वल टू एस डॉट टी कैप प्लस जीरो एन कैप। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एस का एस डॉट का डेरिवेटिव होगा एस डबल डॉट, टी सेम का सेम, अब एस सेम का सेम, एस डॉट सेम का सेम, टी डैश का यानी कि टी कैप का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी कैप। अब ये सेम का सेम नीचे डी बाई डी टी ऑफ टी कैप इज इक्वल टू, अभी अभी हमने निकाला है डी साई बाई डी टी एन कैप, और ये होगा सेम, तो यहाँ पर रख देंगे एन कैप डी साई बाई डी टी। इस एस डॉट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड वेलोसिटी डी साई बाई डी टी, इस डी साई के ऊपर और नीचे हम डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये डी एस बाई डी टी दोबारा बनेगा वी, और वो होगा वी स्क्वायर एंड डी साई बाई यानी कि डी एस बाई डी साई, ये हमारे पास होता है रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी कर्व। ये हमने मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा शायद, जब हम एल्जेब्रा करते हैं वहाँ पर कैलकुलस करते हैं, कैलकुलस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वगैरह कस्प नोड वगैरह निकालते हैं वहाँ पर, तो वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डी एस बाई डी साई। बेसिकली कुछ खास है नहीं, ये आर्क बाई थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला रिलेशन ही है। यहाँ पर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं तो वो होगा एल बाई थीटा, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट कर्व्स के अलग अलग कर्व के अंदर हम कुछ इस तरह निकालते हैं डी एस बाई डी साई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो एसेलेरेशन है ये हमारे पास उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये हमारे पास उसका नॉर्मल कंपोनेंट है, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट है वी स्क्वायर ओवर रो, एंड एस डबल डॉट वहाँ पर क्या है
टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी पार्टिकल की जो भी सर्कल के अंदर है उसका रेडियस अगर ए है तो डिस्प्लेसमेंट होगी एस, वो होगी ए थीटा, ए रेडियस है। वेलोसिटी होगी एस डॉट, यानी कि ए थीटा डॉट, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अगर एसेलेरेशन निकालनी है तो एस डबल डॉट, ए थीटा डॉट क्या होगा, टेंजेंशियल एसेलेरेशन होगी। अगर नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूँ तो वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जीरो होगा, लेकिन एसेलेरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो होगा वी स्क्वायर बाई रो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और रेडियस जो कर्वेचर जो है सर्कल के केस में रेडियस के बराबर ही होगा, तो वो ए, तो ए से यहाँ पर कैंसिल आउट। ए थीटा डॉट स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एसेलेरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। मतलब अगर ये हमारे पास सर्कल है, कर्व है, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा ए थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए, वो जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए, और उसी एसेलेरेशन की वजह से होगी सेंट्रिपिटल, उसी फोर्स की वजह से होगी सेंट्रिपिटल एसेलेरेशन। यानी कि सेंट्रिपिटल एसेलेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसेलेरेशन से ही आता है।